आज दूसरे दिन भी यूपी एटीएस से पूछताछ करेगी। सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ यहां पर की जाएगी। तीनों लोगों से एटीएस पूछताछ करने के लिए अपने साथ लाई है, ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। कल हुई 8 घंटे की पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है। नोएडा पुलिस के जांच अधिकारी से जानकारी ली गई है, केस डायरी पड़ी है। वही जानकारी ये भी है कि सीमा पर ISI से और पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े होने का शक है। कई सवालों पर एटीएस को गुमराह करती सीमा हैदर नजर आई। सीमा हैदर के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब भी भेज दिया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात SSB से जानकारी मांगी गई है। IB से इनपुट मिलने के बाद ATS मामले की जांच में जुटी हुई है। आज सीमा हैदर से पूछताछ में हो सकते हैं कई और खुलासे।